अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग नॉलेज। आज के लेक्चर नंबर 8 में हम कवर करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कुछ ऐसे क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स 99% वो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं, उनको गलत करते हैं। तो लिहाजा आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। इसमें मैंने एनिमेशंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप देखिएगा कि आप कैसे इसको लर्न करते हैं। प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन, कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन इज यूज टू एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अ वैल्यू टू और फ्रॉम अ वेरिएबल विदाउट राइटिंग द वेरिएबल ऑन ईदर साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। हम क्या करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन में कि जो हम वैल्यू लिखते हैं ना, सपोज हमने लिखना हो c इक्वल टू c प्लस 10, तो हम c को जो दोबारा रिपीट हो रहा है ना, जो कि इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू में हम कुछ और ऐड कर रहे हैं या उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। इसके लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम वेरिएबल लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑपरेटर लिखते हैं, मीन्स हमने प्लस करना है, हमने माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करनी है, और उसके उसके बाद हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या चीज है, वेरिएबल वेरिएबल कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, वैलिड वेरिएबल होने चाहिए। ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो सकती है, और एक्सप्रेशन कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे आ सकता है। तो एग्जाम्पल जैसा कि मैंने लिखा है एक्स प्लस इक्वल टू 10, ये मैंने कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, जबकि सिमिलर जो और सिंपल एक्सप्रेशन में क्या होता है, x इक्वल टू x प्लस 10 होता है, इसमें वो रिपीट होता है वो वेरिएबल, लेकिन कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन में हम उस वेरिएबल को रिपीट नहीं करते, हम क्या कर लेते हैं प्लस इक्वल टू 10 लिख देते हैं। तो वो क्या करता है कि वो इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू में ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, x माइनस इक्वल टू 10 और x मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, ये एज इट इज है, जैसे कि हम लिखते हैं x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 10। इसी तरीके से x डिवाइडेड बाय 10, x डिवाइड डिवीजन इक्वल टू 10, सेम एज x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10। तो आइए हम देखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, जो प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट विल गेट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट बाय एडिंग 10 मोर इन दिस वैल्यू। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से वैल्यू गेट करनी है और उसमें 10 का इंक्रीमेंट करना है बाय यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन के थ्रू, तो फिर हमने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करें, कैसे लिखते हैं। इंटीजर मैंने ए वेरिएबल लिया, सी आउट एंटर द वैल्यू, जो वैल्यू एंटर होगी वो किसमें मैं स्टोर कर लेता हूं, सी इन ए में, और फिर मैं ए इक्वल टू ए प्लस 10 से इसमें मैं 10 का इंक्रीमेंट कर देता हूं। लेकिन हमने क्या करना है, मैंने कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन के थ्रू करना है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखना पड़ेगा जैसा कि मैं स्टेटमेंट लिखी हुई ना, इक्वल टू ए प्लस 10, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए, फिर इसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ, प्लस, फिर इसके बाद इक्वल साइन, और फिर आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कॉन्स्टेंट कोई भी आप लिख सकते हो, ए प्लस इक्वल टू 10, तो जो भी मैं वैल्यू एंटर करेगा ये उसमें 10 का इंक्रीमेंट करेगा, और उसके बाद हम मैं उसको डिस्प्ले कर देता हूं, सी आउट वैल्यू आफ्टर एडिंग 10।
एडिंग 10 मोर, इसमें वैल्यू पड़ी हुई है ए में, मैं ए में शो करवाता हूं। इसको रन करके देखते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द वैल्यू मैंने सपोज लिखी 25, उसने क्या लिखा, इसने लिखा वैल्यू आफ्टर एडिंग 10 मोर इक्वल टू 35, यहां पे मैं इक्वल साइन डाल देता हूं, ठीक है। तो इसने देखिए वो उसने शो कर दिया। इसी तरीके से अगर मैंने डिवाइड भी करना हो उसको मैं डिवाइड भी कर सकता हूं, जैसे ए सबट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए माइनस इक्वल टू 20, तो अब ये क्या करेगा 20 उसमें से डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन इसको हम स्टेटमेंट को इसके बाद मैं लिखता हूं, कंट्रोल सी मैंने किया, कंट्रोल एक्स कर लेता हूं, यहां से मैं इसको कट कर देता हूं, इसको सी आउट करवाने के बाद मैं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं पहले लिख लूंगा तो वो क्या करेगा कि वो यानी कि वो इंक्रीमेंट भी करेगा और डिवाइड भी करेगा, फिर इसके बाद में रिजल्ट शो करेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आफ्टर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाय 10, ये सेम एज इट इज है जैसा कि मैं लिखती हैं ए इक्वल टू ए माइनस 20, मैंने वैल्यू एंटर की 50, वैल्यू आफ्टर 10 मोर इक्वल टू 60, वैल्यू आफ्टर डिक्रीजिंग बाय 10 इक्वल टू 40, यहां पे मैं 20 किया, यहां पे मैं 20 का मैसेज दे देता हूं, मैं 20 का मैसेज दे दिया, और यहां इसके बाद मैं एंड लाइन कर देता हूं ताकि वो न्यू लाइन पे चला जाए, ओके क्लियर। अब रन करके दिखाता हूं मैं, सिक्सटी मैंने एंटर किया, वैल्यू आफ्टर एडिंग 10 मोर इक्वल टू 70, वैल्यू आफ्टर डिक्रीजिंग बाय 20 इक्वल टू 50, ओके। तो ये हमने प्रोग्राम कर लिया, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है यूनरी ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें हम क्या करते हैं, द ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये एक का इंक्रीमेंट कर देती है, एक वैल्यू ऐड कर देती है, तो इसलिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और ये कितनी तरह की होती है, ये हमारे पास दो तरह की होती है, एक प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होता है और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट होता है। प्रीफिक्स में पहले ऑपरेटर यूज किया जाता है और पोस्ट फिक्स में बाद में ऑपरेटर यूज किया जाता है। इसका बहुत इफेक्ट होता है, इसका मतलब ये होता है जब भी हम एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, अगर मैं प्रीफिक्स यूज किया हुआ है तो पहले वो क्या करेगा, पहले इसमें इंक्रीमेंट करेगा और फिर इसकी वैल्यू को यूटिलाइज करेगा, जबकि पोस्ट फिक्स में पहले इसकी वैल्यू को यूटिलाइज करेगा और बाद में इसमें इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, जो ये क्या करता है, ये वन नंबर वन वैल्यू को डिक्रीज करता है, सबट्रैक्ट करता है, इज यूज टू सबट्रैक्ट वन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये भी दो तरह की होती है, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, माइनस माइनस पहले लिखने से, ऑपरेटर को पहले लिखने से ये प्रीफिक्स में आ जाता है, जबकि बाद में लिखने से पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट आ जाता है, ठीक है। तो आइए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट से क्या पर्पज होता है और पोस्ट फिक्स से क्या इसका पर्पज होता है, देखते हैं।
मैंने लिखा इंटीजर c इक्वल टू 5 लिखा, इसके बाद मैंने d ले लिया वेरिएबल, और यहां पे मैं लिखता हूं d इक्वल टू प्लस प्लस c, और इसके बाद मैं c आउट करता हूं d को, तो देखते हैं हम क्या क्या यहां पे आता है, क्या इसका आंसर क्या निकलता है। c इक्वल टू 5, तो मैंने कौन सा यूज किया हुआ यहां पे, प्लस प्लस किया, ये मैंने कौन सा, ये मैंने किया प्रीफिक्स यूज किया, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट किया। ये पहले क्या करेगा, पहले इसमें इंक्रीमेंट करेगा, 5 होगा तो यहां पे क्या होगा 6 होगा, और 6 वैल्यू इसमें अपडेट होने के बाद दोबारा फिर डी को वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो सी आउट में क्या आ जाएगा, सी आउट में डी की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो रन करके देखते हैं डी इक्वल टू 6 उसने वैल्यू को शो कर दिया, क्लियर। तो अब हम एनिमेशन इसकी देखते हैं, ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ सेम प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किए जाएंगे मेमोरी में, c की वैल्यू 5 असाइन की गई उसको, और d में कोई वैल्यू अभी तक नहीं असाइन हुई, सिर्फ जिसको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से क्या होगा कि c प्लस प्लस जो मैंने लिखा हुआ प्लस प्लस c, तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करेगा, जो कि c के पास ऑलरेडी वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 5 वैल्यू पड़ी है, इसमें एक का इंक्रीमेंट करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसके एक के इंक्रीमेंट करने के साथ सी की वैल्यू बन जाएगी 6। जब सी में एक का इंक्रीमेंट होगा तो फिर सी की वैल्यू साइन की जाएगी डी वेरिएबल को, डी के पास 6 आ गया, अपडेट कर दिया जाएगा उस वेरिएबल डी में। अब डी की वैल्यू क्या होगी 6। नेक्स्ट स्टेटमेंट में शो किया गया है सी आउट इक्वल टू सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर d इक्वल टू वैल्यू ऑफ d, और वैल्यू ऑफ d हमारे पास क्या पड़ी है 6 पड़ी हुई है, तो इस तरह इसने क्या शो किया, इस तरह इसने d की वैल्यू को 6 शो किया है। तो हम इस पोस्टफिक्स की मैं एग्जांपल भी देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं c प्लस प्लस, ये मैंने पोस्टफिक्स यूज किया, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, इससे क्या फर्क पड़ेगा, C की वैल्यू यहां पे मैंने 5 लिखी हुई है, तो यहां पे ये C की वैल्यू पहले असाइन कर दी जाएगी D को, तो D के पास क्या चला जाएगा 5, और बाद में C में 1 का इंक्रीमेंट होगा, बाद में C की वैल्यू 6 कर दी जाएगी, अगर जब भी मैं इसको शो करूंगा तो C की वैल्यू 6 ही होगी, ठीक है। तो मैं पहले D की वैल्यू चेक करता हूं, तो d की वैल्यू इसने क्या शो की, d की वैल्यू इसने 5 शो की। अगर इसके बाद मैं c की वैल्यू भी शो करवाना चाहता हूं तो वो भी मैं करवा सकता हूं, लेकिन उसमें एक का इंक्रीमेंट इसने कर दिया होगा, ठीक है। d को पहले उसने वैल्यू दिया, वैल्यू देने के बाद उसने इंक्रीमेंट किया, c में इंक्रीमेंट किया, ये मैंने वैल्यू c की वैल्यू को शो करने के लिए कोड लिखा c इक्वल टू c मैंने लिख दिया। जब इसको मैं रन करूंगा d इक्वल टू 5 इसने शो किया और c की वैल्यू इसने 6 ही कर दी है, ठीक है। तो आइए हम एनिमेशन के थ्रू देखते हैं, इन c इक्वल टू 5 c की वैल्यू 5 थी वेरिएबल में, D की वैल्यू D को जस्ट डिक्लेयर किया गया, D से पहले यहां पे देखें पहले C वैल्यू असाइन करेगा D को, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, मैंने C की वैल्यू D को असाइन कर दी, C के पास क्या पड़ा हुआ था 5 मिल जाएगा D को, ठीक है। और बाद में इसमें एक का इंक्रीमेंट किया जाएगा C में, C की वैल्यू 1 के इंक्रीमेंट करने के साथ क्या हो जाएगी 6, और ये यहां पे 6 शो कर देगा जी।
लेकिन क्योंकि हम डिस्प्ले COD को कर रहे हैं, यानी कि डी को कर रहे हैं, COD डी को कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वो डी की वैल्यू 5 शो करेगा, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम में भी शो किया कि डी में क्या पड़ा हुआ, डी में वो 5 शो कर देगा और सी की वैल्यू क्या कर देगा, 6 कर देगा जी। जी यहां पे मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं, जो कि बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा और 99% स्टूडेंट इसको गलत अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व करना है, क्या मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताना है। जैसे कि लिखा ना सी इक्वल टू 5 मैंने लिखा, तो अगर मैं कहता हूं यहां पे सी आउट करो C++ और C-, तो ये बहुत से स्टूडेंट इसको गलत अटेम्प्ट करते हैं। इसके लॉजिक ये है कि जब आपने पहले सॉल्व करना है तो आपने पहले इसको सॉल्व करना है, इस वाले को, क्योंकि जब आप सेम वेरिएबल यूज कर रहे हो ना तो ये राइट साइड से सॉल्व करता है। ये मैंने बहुत जो बहुत रिसर्च के बाद और ये सारी चीज़ों के पढ़ने के करने के बाद ये खुद एक्सपेरिमेंट किया, किसी बुक में मैंने नहीं पढ़ा या कुछ कहीं नहीं देखा, ये मैंने खुद एनालाइज किया कि ये ऐसे काम करता है। ठीक है, आप भी एनालाइज करके देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये पहले यहाँ से सॉल्व करेगा अगर आपने सेम वेरिएबल लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए C-, इसका मतलब ये है कि पहले मैंने पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट यूज किया हुआ ना, तो ये पहले क्या करेगा, पहले इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा और बाद में इसकी वैल्यू को सी की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या थी, 5, तो यहाँ पे इस सी की जगह क्या डिस्प्ले कर देगा, सी की जगह 5 शो कर देगा। ओके, तो जब 5 डिस्प्ले करने के बाद फिर इसको वैल्यूएट करेगा, इसकी वैल्यूएशन क्या कहती है, इसका एक डिक्रीमेंट कर दो। तो C की वैल्यू क्या थी, 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, जब इधर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले डिस्प्ले करना है या ऐड करना है, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है, बाद में एडिशन करनी है, तो इसका मतलब ये इधर क्या करेगा, इधर 4 लिख देगा, इधर 5 लिख देगा, तो इसका आंसर लिखा है कि जस्ट 4 एंड 5, जस्ट 45। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम, आंसर क्या है, इसने 4 और 5 शो किया, 45 शो किया जी। ठीक है, तो आइए मैं आपको एनिमेशन के थ्रू शो करके दिखाता हूं। यहां पे देखिए सी की वैल्यू मैंने 5 असाइन की हुई है, तो मैंने पहले आपको कहा होगा ये राइट साइड से इवेल्युएट करता है। ठीक है, अगर आपने सेम वेरिएबल लिखे हो तो, अगर आपने डिफरेंट वेरिएबल लिखे हो, जैसे यहां पे सी लिखा हो, यहां पे डी लिखा हो, तो वो एज यूजुअल जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में सॉल्व करेगा। यहां पे मैंने सी की वैल्यू, वो क्या करेगा, पहले वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, तो सी की वैल्यू क्या थी, 5, तो इसने क्या किया जी, ये 5 यहां पे डिस्प्ले कर दिया और इसके बाद इसको एवेल्युएट करेगा। जब इसको एवेल्युएट करेगा, इसकी वैल्यू माइनस करने से माइनस हो जाएगी, एक डिक्रीमेंट होगा, जब पहले 5 थी, एक डिक्रीमेंट करने के साथ इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, की वैल्यू क्योंकि 4 पड़ी हुई है। अब क्या करें, पहले डिस्प्ले करें या पहले इसको इवेल्युएट करें, तो ये क्या, पहले क्या करेगा, क्योंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट यूज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, पहले इसको डिस्प्ले करेगा और बाद में इसका इंक्रीमेंट करेगा। सी की वैल्यू इसने क्या शो की, 4 इसने डिस्प्ले कर दी और बाद में इसने इसका इंक्रीमेंट कर दिया, जो कि सी में 5 पड़ा। जब बाद में मैं कभी सी की वैल्यू को डिस्प्ले करूंगा या यूज करूंगा, वो मुझे 5 ही शो करेगा, लेकिन इसने डिस्प्ले करते हुए आपको आउटपुट क्या देगा, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लीजिए। अगर मैं लिखता हूं -C और यहां पे C-- लिखता हूं, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, आप गेस करें जरा इसकी आउटपुट क्या होगी। ठीक है,
यहां पे देखिए सी की वैल्यू पहले क्या 5, पहले क्या करे एवेल्युएट करे या डिस्प्ले करे, ये पहले डिस्प्ले करेगा जो कि 5 इधर डिस्प्ले करेगा, फिर बाद में एवेल्युएट करेगा कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी, ठीक है, फिर यहां पे डिस्प्ले होगा, यहां पे डिस्प्ले होके क्या वैल्यू आ जाएगी 4, पहले क्या करेगा ये पहले इसमें पहले डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, तो क्या वैल्यू रह जाएगी 3, इसका मतलब क्या लिखा आएगा 3 और 5 लिखा हुआ आएगा, इसको मैं रन करता हूं, देखिए 3 और 5 यहां पे लिखा हुआ आ रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप ये मुख्तलिफ वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, यहां पे प्लस लिख सकते हैं, इसको करके देख लो, ठीक है, इधर प्लस करके इधर माइनस माइनस करके देखो तो देखो क्या आउटपुट आती है, ठीक है, इधर माइनस माइनस करके देख लो, इधर प्लस प्लस करके देख लो, ठीक है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मरतबा पूछा जाता है, ठीक है, तो 99% स्टूडेंट इसका रॉन्ग आंसर इसको कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर।